दंताय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तनोदन्ति प्रचोदयात् महाकर्णाय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तनोदन्ति प्रचोदयात् गजाननाय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तनोदन्ति प्रचोदयात्। प्रेम से बोली प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय। प्रथम पूज्य भगवान गणेश हरते हैं सबके कष्ट कलेश, हर विपदा देते हैं टाल। एक दंत का हृदय विशाल, मूषक की करते हैं सवारी, मोदक इनको बड़ी है प्यारी, जो भी गजानन को है ध्याते, लंबोदर उन के पास आते। महादेव के है ये दुलारे, माँ गौरी के आँखों के तारे, ज्ञान व बुद्धि के है दाता, श्री गणेश है भाग्य विधाता। श्री गणेश का करते वंदन, धूप दीप ले पीला चंदन, पीताम्बर इनको है प्यारा, हे भगवान हर कष्ट हमारा। भक्तों
भगवान गणेश देवों के देव भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि और सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। भगवान गणेश का नाम हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले लिया जाता है। जल तत्व के अधिपति बुधवार और चतुर्थी के स्वामी और केतु एवं बुध के ग्रहाधिपति गणेश जी के अस्त्र पाश और अंकुश हैं। गणेश जी मूषक की सवारी करते हैं। एक दंत और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमश पाश अंकुश मोदक पात्र तथा वर मुद्रा धारण करते हैं। गणेश जी रक्त वर्ण लंबोदर शुप्रकर्ण तथा पीत वस्त्रधारी हैं। भगवान गणेश जी का सतयुग में वाहन सिंह है और उनकी भुजाएं 10 हैं तथा नाम विनायक है। श्री गणेश जी का त्रेता युग में वाहन मयूर है, इसलिए इनको मयूरेश्वर कहा जाता है। त्रेता युग में इनकी भुजाएं 6 हैं और रंग श्वेत है। द्वापर युग में इनका वाहन मूषक है और इनकी भुजाएं 4 हैं। इस युग में ये गजानन नाम से प्रसिद्ध है और उनका वर्ण लाल है। कलयुग में इनका वाहन घोड़ा है और वर्ण धूम्र वर्ण है। इनकी 2 भुजाएं हैं और इस युग में इनका नाम धूम्रकेतु है। प्रेम से बोलिए भक्तों, प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय। बुधवार है इनका वार, गणेश है विद्या का भंडार, माँ लक्ष्मी संग होती पूजा, सावर दाई कोई न दूजा। गज का मुख है धारण करते, दुख संताप गणेश है हरते, हर युग के आराध्य गणेश, सर्व सुलभ साध्य गणेश। करना हो जो मंगल का, सबसे पहले लो इनका नाम, होती तभी है पूजा सफल, मन होता है शांत निर्मल। आओ गणेश को हम सब ध्याए, इनकी भक्ति में मन को रमाए, है विघ्न विनाशक कृपा करना, भक्तों की हर विघ्ना हरना। भक्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उबटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उबटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद वहाँ भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद शिव गणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध किया, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। प्रेम से बोलिए भक्तों, प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय। शिव पुराण की कथा सुनाए, गणेश जन्म की बात बताए, गए करने पार्वती स्नान, ब्रह्म मुहूर्त का पल था महान। पार्वती ने लगाया उबटन, पुत्र कामना की मन ही मन, उबटन से एक पुतला बनाया, प्राण डाल कर उसे जिलाया। पल था भक्तों बहुत विशेष, नाम रखा पुतले का गणेश, प्यार से सर पर हाथ फिराया, द्वारपाल उनको है बनाया। वहाँ आए तब शिव भगवान, नहीं पाए उनको पहचान, युद्ध हुआ तब बड़ा भयंकर, शिव ने काटा बालक का सर। भक्तों, जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी की काफी देर बाद तक ऐसा कोई नहीं मिला। अंततः एक हथिनी नजर आई। हथिनी का शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती, तो गरुड़ जी ने उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। भगवान शिव ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनः जीवित कर दिया। पार्वती उसे पुनः जीवित देखकर बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया
के किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा। इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। प्रेम से बोलिए भक्तों, प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय। जब हुआ माता को यह ज्ञान, उनको लगा भारी आघात, प्रलय करने का प्रण लिया है, तब देवों ने स्तुति किया है। हे गरुड़ तुम उत्तर को जाओ, किसी बच्चे के सर को ले आओ। गरुड़ चले शिव के कहने पर न मिला किसी बच्चे का सर। अंत में हथिनी नजर है आई, गरुड़ ने फिर तलवार चलाई, पहुँच के लाश बोले करके सर। शिव ने जोड़ा उस सर से धर। शिव ने गणेश को जीवित किया है, प्रथम पूजन का वर भी दिया है। हे गणेश तुम अजर अमर हो, गणाध्यक्ष तुम सर्वेश्वर हो। भक्तों, एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किलों को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों का हल करेगा और उनकी मदद करेगा। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। प्रेम से बोलिए भक्तों, प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय। भक्त हुआ ऐसा एक बार, सभी देव गए शिव के द्वार, सबने कहा हे शिव भगवान, करो समस्या का समाधान। ध्यान में थे भगवान महेश, संग कार्तिकेय गौरी गणेश, देवों को देखा है परेशान, करेगा कौन इसका निदान। शिव ने कहा दोनों पुत्रों से, कौन करेगा समस्या को हल। गणेश कार्तिक हुए खड़े हैं, लगे सोचने शिव उस पर। शिव ने कहा कि सुनो हे पुत्र, इस प्रतियोगिता के अनुसार जो भी विजेता घोषित होगा वही मदद को जाए इस बार। भक्तों, जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिव जी के और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुंचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूँ या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए भक्तों, प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय। गए लगाने पृथ्वी का चक्कर, कार्तिकेय हो मोर सवार, पर गणेश जी रहे यथावत, करने लगे वो स्वयं विचार। उनके मन में उपाय है आया, शिव गौरी का चक्कर लगाया, तभी वहाँ कार्तिकेय है आए, शिव ने पूछा है श्री गणेश से, तुम ना गए मूषक पे सवार। कहा गणेश ने माता पिता से, चरणों में आपके है संसार, आपका हमने लगाया चक्कर, विजित हुए मिले मुझको अवसर, प्रसन्न हुए
को गणेश का सार। भक्तों, गणेश पूजन से पहले नित्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर शुद्ध आसन में बैठकर सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर पुष्प, धूप, दीप, कपूर, रोली, मौली, लाल, चंदन, मोदक आदि एकत्रित कर क्रमशः पूजा करें। भगवान श्री गणेश को तुलसी दल व तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। उन्हें शुद्ध स्थान से चुनी हुई दुर्वा को धोकर ही चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश भगवान को मोदक यानी लड्डू अधिक प्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें देशी घी के बने मोदक का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश के दिव्य मंत्र ओम श्री गण गणपतये नमः का 108 बार जप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। श्री गणेश सहित प्रभु शिव व गौरी, नंदी, कार्तिकेय सहित संपूर्ण शिव परिवार की पूजा षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। व्रत व पूजा के समय किसी प्रकार का क्रोध व गुस्सा ना करें, यह हानिप्रद सिद्ध हो सकता है। श्री गणेश का ध्यान करते हुए शुद्ध व सात्विक चित्त से प्रसन्न रहना चाहिए। प्रेम से बोले भक्तों, प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय। पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो।
गर्भवती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो।
शिव शंकर के तुम हो प्यारे, पार्वती के तुम हो दुलारे। वक्रतुंड सदन सुखदाता, विश्व विनायक भाग्य विधाता। त्रिपुंड तिलक मन भाए, मणियन माला मन को सुहाए। रखते सदा भक्तों की लाज, जय 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 गणपति महाराज। हो पोथी कर में त्रिशूल कुठारम, नयन विशाला मन अति प्यारम। चरण आपके मन में साजे। गौरी नंदन तुम ही स्वराज, जय 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 गणपति महाराज। हो मूषक वाहन आपके द्वारे, ऐसे दानव आप सुधारे। ये प्रभु जी ने है शुभ काज, जय 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 गणपति महाराज। घड़ी हो या जन्म तुम्हारा, अति मंगल शिव के हो कुमारा। तप कान्हा मन वांछित फल तुमने लीना।
गर्भ बिना ही सुत बन आए। गणनायक गुण ज्ञान कहाए, पूजित प्रथम रूप जग आज, जय 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 गणपति महाराज। हो गौरा के सुत रुदन मचाया, सुर मुनि जन मंगल गाया। लल्ला भाया देखने आए शनि महाराज, जय 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 गणपति महाराज। हो देख शनि मुख और प्रकाशा, लागी नजर भयो मुखरे नाशा। गौरा गिरी धरती पर आ, जय 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 गणपति महाराज। पर मां तम सा छाया, विष्णु सुदर्शन गज मुख लाया। बालक के घर मुख गजराज, जय 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 गणपति महाराज। हो शिव शंकर ने प्राण है डाले, अष्ट सिद्धि नौ निधि रखवाले। नाम गणेश दिए शिव आज, जय 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 गणपति महाराज। का थे शिवलीन है, बुद्धि का परिचय गणपति दीन है। जब ते सुमन बहु बरस आज, जय 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 गणपति महाराज। हो तुम्हारी मही बहुविधि जानी, करो कृपा मैं हूँ अज्ञानी। Thank you.
पाप बखाना, आप समान ना कोई भगवाना। जय 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 गणपति महा।